यदि हम बात करें दो ऐसे बड़ी बिल्लियों की जिनका नाम सुनकर ही कोई भी इंसान कांप उठेगा, तो उसमें नगेंगडम टाइगर और अमेरिकन लायन का नाम अव्वल नंबर पर आता है। ये दो ऐसी बड़ी बिल्ली हैं जो कि काफी साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों बिल्लियों के बारे में वो सब कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम इन दो बड़ी बिल्लियों से जुड़ी कुछ जानकारियों को आपको बताने वाले हैं, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि नगेंगडॉन्ग टाइगर और अमेरिकन लायन में कौन सी बिल्ली सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये जानने के लिए कि आखिर नगेंगडॉन्ग टाइगर और अमेरिकन लायन में कौन सी बिल्ली सबसे ज्यादा खतरनाक है, हम पहले इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन लायन की। तो प्लेस्टोसेन इपॉक यानी कि आइस एज का एक खूंखार दैत्य जो कि अमेरिकन लायन है। इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा एट्रॉक्स है। वैसे तो नाम के लिए लोग इसे अमेरिकन लायन कहते हैं, पर असल में ये एक बड़ा जैगुआर से काफी मिलता जुलता है। अमेरिकन लायन की खाल काफी मोटी होती थी। इसकी इतनी मोटी खाल की वजह थी ताकि ये ठंड से बचे रह सके। साथ ही इसके पूरे शरीर पर डार्क धब्बे होते थे। साइज और वेट की अगर बात करें तो अमेरिकन लायन का एवरेज शोल्डर हाइट 3.9 फीट के करीब होता था। हेड टू टेल टिप लेंथ इनकी 11.5 फीट तक थी। यदि हम बात करें इनके वजन की तो ये शेर 250 किलोग्राम से 350 किलोग्राम तक वजनी हो सकते थे। हालांकि अमेरिकन लायन के साइज की तुलना में उसके 4 इंच लंबे कैनाइन दांत छोटे पड़ जाते हैं, पर फिर भी ये 1800 psi का जबरदस्त बाइट फोर्स एक बार में ही जनरेट कर सकता था, जो कि आज के मॉडर्न लायन के बाइट फोर्स से 2 गुना से भी ज्यादा है। अमेरिकन लायन भारी भरकम होने के बावजूद भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। इस स्पीड और भारी शरीर के कारण अमेरिकन लायन काफी मोमेंटम जनरेट कर सकता है, जो कि किसी भी शिकार की कमर तोड़ने में काम आता है। अन्य बिग कैट्स की भांति अमेरिकन लायन भी कार्निवोरस था। ये काफी बड़े शिकार करता था, जिसमें हॉर्सेस, कैमल, ग्राउंड स्लॉथ, यंग मैमथ, बाइसन, डियर आदि शामिल थे। अपने मजबूत पैर और पावरफुल जबड़ों की मदद से ये किसी भी शिकार को मिनटों में धराशायी कर देता था। दूसरी तरफ हम बात करें नगेंगडॉन्ग टाइगर की, तो ये एक ऐसे खूंखार शिकारी थे, एक ऐसे दैत्य थे जो कि मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर को भी बौना बना देते थे। नगेंगडॉन्ग टाइगर इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस के सोलो रीजन में पाया जाता था। सोलो रीजन में ये टाइगर जनरली सोलो रिवर की घाटी में घूमा करते थे, जहां से ये जावा के अन्य हिस्सों में धीरे धीरे फैल गया। नगेंगडॉन्ग टाइगर लगभग 1,90,000 साल पहले लेट प्लाइस्टोसेन इपॉच में इस धरती पर विचरण करता था। प्लाइस्टोसेन इपॉच धरती का वो युग था जब होमो सेपियंस धरती पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करने लगे थे। नगेंगडॉन्ग टाइगर का एवरेज वेट 290 से 350 किलोग्राम के बीच होता था। नगेंगडॉन्ग टाइगर का लेंथ 4.1 मीटर यानी कि 13.5 फीट था। इनकी शोल्डर हाइट करीब 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट हुआ करती थी। एक सवाल मन में ये उठता है कि आखिर नगेंगडॉन्ग टाइगर इतना बड़ा क्यों था? तो इसका एक संभावित उत्तर इस टाइगर का प्रे बेस और इसके कॉम्पिटिटर्स है। नगेंगडॉन्ग टाइगर मिड टू लार्ज साइज प्रे हैंडल करता था। ये बोविड यंग एलिफेंट राइनो इतने विशाल शिकार को धराशायी करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए इस टाइगर को इतना विशाल होना पड़ता था।
नगेंगडोंग टाइगर के कॉम्पिटिटर्स के बारे में विशेषज्ञों की मिक्स्ड राय है। कुछ का कहना था कि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, लेकिन कुछ का कहना था कि इसे जायंट हाइना से अक्सर लड़ना पड़ता था। इन सभी कारणों और अबंडेंट प्रे बेस के कारण नगेंगडोंग टाइगर इतना विशाल हुआ करते थे। आखिर में हम इन दोनों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं कि नगेंगडोंग टाइगर और अमेरिकन लॉयन में कौन सी बिल्ली सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इन दोनों से जुड़ी जानकारियों को जान लेने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिकन लॉयन का स्टेमिना और इनके कॉम्पिटिटर से ज्यादा होने की वजह से इनका फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा होता था, जिसका मतलब ये निकलता है कि इस लड़ाई में अमेरिकन लॉयन ही विजेता साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको नगेंगडोंग टाइगर और अमेरिकन लॉयन से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में आपको बताया है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।